हम इसमें आगे करते हैं। हमने किया था पैरों का कंट्रोलस, पैरों में कंट्रोलस बनाए थे, ये सारी चीजें बाइंड हो गई थी। अब आपको क्या करना है, इसका जो फाइनल वाला ग्रुप था उसको इसका चाइल्ड बना देना, ताकि इसे उठाए तो पैर उठे, और इसका जो फाइनल वाला ग्रुप था सबसे लास्ट वाला, चार बार अप की प्रेस करो तो सेलेक्ट होगा उसको, उसका दोनों पैर उठाएंगे तो ये पूरा पैर उठ रहा है। कर दी। अब इसको बिठाओगे तो आपका पैर भी बैठ रहा है, और मेन है अब नी इधर उधर नहीं जा रहे, जो हमारे नी है वो इधर उधर नहीं जा रहे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोलर बनाना है। उसके लिए क्या करूं, आर्क ले रहा हूं मैं, छोटा कर दो, कंट्रोल डी से कॉपी और बाहर कर दो। अब मैं चाहता हूं इसको इधर उधर करने पे नी भी इधर उधर हो, तो आपको क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना इस सर्कल को, फिर सेलेक्ट करना इस एंड आई के को, गो टू एंड गो टू रिगिंग, गो टू कंस्ट्रेंट, कॉल वेक्टर। अगर आपको अपने नी और एल्बो का टारगेट बनाना है तो कॉल वेक्टर यूज होगा। मतलब मैं चाहता हूँ इसको इधर उधर करने पे नी भी इधर उधर हो, तो पहले सेलेक्ट करना कंट्रोलर, नाम दे दो लेफ्ट कंट्रोलर या नी कंट्रोल, इसको सेलेक्ट किया कॉल वेक्टर, इसको सेलेक्ट किया कर दिया कॉल वेक्टर। अब देखोगे अगर आप पैर उठाते हो तो आप इसकी हेल्प से नी इधर उधर भी कर सकते हो, देख रहे हो, तो ये फायदा है। तो हमारे पैरों की पेल्विस से लेके पैरों तक की रेक कंप्लीट है। अब हम आगे स्पाइन पे काम करते हैं। ये ले लेते हैं स्पाइन के लिए, हमें स्पाइन भी रोटेट करानी होगी। नाम दो स्पाइन वन, कॉपी लोगे अपने आप बी के साथ स्नैप होता रहेगा।
भी स्पाइंस के कंट्रोलर्स हैं, हम चाहते हैं इसको रोटेट करने पे, स्पाइन भी रोटेट हो। तो आपको क्या करना है, इस वाली बोन को इसका चाइल्ड बना दो। क्या हुआ, इसका तो चाइल्ड बन गया पर उससे कनेक्शन टूट गया। इस वाले को इसका चाइल्ड बना दो। समझ आया? अब इस वाली बोन को इसका, इस वाली बोन को फिर इसका, पर देखोगे एक तरीका ये पहले ऐसे किया जाता था पहले, पर देखोगे हर कंट्रोलर के ऊपर वैल्यू आ रही है जो कि गलत है। मैंने कहा था ना कंट्रोलर्स पे वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये पहले मैं पुरानी वाली रिंग बता रहा हूँ जो पहले हुआ करती थी, इसलिए बताइए ताकि आपको आगे जाके मिस्टेक ना हो, आप ये वाली गलती ना करो कि आप चाइल्ड पेरेंट बनाते जा रहे हो और कंट्रोलर की वैल्यू चेक ही नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना है, इस बोन को इसका चाइल्ड ना बना के, मतलब ये वाला पेरेंट ना यूज करके, आपको ये वाला यूज करना है, पेरेंट या ओरिएंट। क्या करो, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कर दिया ओरिएंट, और क्या हो रहा है, बोन नीचे आ गई। तो याद रखना ओरिएंट के अंदर एक ऑप्शन आता है मेंटेन ऑफसेट, इससे कराना। देखो हर सर्कल को उसकी वाली बोन का ओरिएंट, गलती हो गई इसलिए अंडू कर रहा हूं। हर कंट्रोलर को उसके बॉन का ओरिएंट, जी प्रेस कर सकते हो, जी फॉर रिपीट कमांड। देखो हर बोन अपने सर्कल को, हर सर्कल अपने बोन को लेके रोटेट हो रहा है। समझ आया? क्या करो, आपने हर सर्कल को, हर कंट्रोलर को उसकी पॉन का चाइल्ड बना दिया, किससे, ओरिएंट कंस्ट्रेंट से, मतलब ओनली ओरिएंट हुई, ओनली ओरिएंट उसका चाइल्ड बना। अब आप क्या करो, हर ऊपर वाले कंट्रोलर को नीचे वाले का पी प्रेस करके चाइल्ड, नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे वाले का पी प्रेस करके चाइल्ड। अब देखो कि क्या होगा, अगर मैं सारे कंट्रोलर्स को इकट्ठा रोटेट कर रहा हूं ना, तो देखो कब बन रहा है, जो हमारी बॉडी में बनता है। समझ आया? एक्सरसाइज कर पा रहा है कैरेक्टर?
अब इस वाली को और इस वाली को, दोनों को मास्टर पेल्विस का चाइल्ड रूट का, कोई डाउट यहां तक? फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, पर आप देखोगे लेके नहीं जा पा रहा कोई भी कंट्रोलर। ये देखो एक कमी क्या आ रही है, बोन वही रह गई। इस कंट्रोलर को, इस बोन का ना पॉइंट भी करा देना, जिससे क्या होगा, कमाल देख रहे हो क्या हुआ। हमने क्या किया, ओरिएंट तो बाइंड किया था इस सर्कल के साथ, इस बोन का ओरिएंट बाइंड किया था, पोजीशन नहीं थी। मैंने क्या किया, इस सर्कल के साथ इसका पोजीशन भी बाइंड कर दिया। देखो पॉइंट होता है पोजीशन बाइंड करने के लिए, ओरिएंट होता है रोटेशन, और स्केल होता है स्केल बाइंड करने के लिए। तो हमारी स्पाइन की रिग कंप्लीट।